Hello students, we will do poem of Sam chapter. It's the second poem. First poem कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, relevance भी नहीं थी. That's why we didn't do. Okay. Look at this poem. The rebel. Rebel means होता है opposite होना, ठीक है. अपोजिट मीन्स अगर कोई भी कभी कभी क्या है, किसी को आदत होती है इससे, मतलब थोड़ा अपोजिट चलने की. उसी प्रकार रेबल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी होना, उल्टा चलना. ओके ओके, रीड द फर्स्ट लाइन. डू यू नो एनी वन हु ऑलवेज डिसएग्रीज विद यू और योर फ्रेंड्स और लाइक्स टू डू द अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू. क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है, या ऐसे व्यक्ति को, डू यू नो एनी वन, ऐसे को किसी को जानते हो, हु ऑलवेज डिसएग्रीज, जो कि हमेशा क्या करता है, डिसएग्रीज करता है, मतलब आपके साथ एग्री नहीं होता है, असहमत होता है, विद यू और योर फ्रेंड्स, आपके साथ और आपके फ्रेंड्स के साथ, और लैक्स टू डू द अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू. जो सभी सोचते हैं कि उन्हें करना चाहिए, उससे वो अपोजिट करता है, अपोजिट करना चाहते हैं, उनके साथ एग्री नहीं होता. थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन, ऐसे पर्सन के लिए एक वर्ड सोचो, उसको क्या करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए. डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज, और अपने पार्टनर के साथ ऐसी जो थिंग्स हैं उस पर्सन की, जो जनरली वो करता है, ठीक है, मतलब जो आदतें नहीं उसे हैबिचुअल है वो करने का, ठीक है, तो वो चीज़ें डिस्कस करो. नाउ रीड द पोएम. नाउ वी विल रीड पोएम. ओके. Okay, look at the first line of the poem. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. कि जब क्या सभी की जो हेयर हैं, ठीक है, जो बाल हैं, अगर सभी के शॉर्ट हैं, तो रेबल क्या करेगा, अपने जो हेयर है वो क्या करेगा, लॉन्ग करेगा. अगर दूसरों के स्मॉल हैं, छोटी हैं, तो वो अपने बढ़ाएगा, ठीक है. इसका मीन्स जो सभी करते हैं उसे वैसा नहीं करना, वो अपोजिट करता है. When everybody has long hair, जब सभी के long hair, then rebel क्या करेगा, rebel cuts his hair short. तो जो rebel है वो क्या करेगा, अपनी जो hair है वो क्या कर लेगा, cut कर लेगा उसे short करने के लिए, because rebel do always opposite. When everybody talks during the lesson, अगर lesson मतलब पढ़ाते time, अगर सभी बातें करती हैं, ठीक है, अगर सारी class means the mostly students are talking to each other, बट वट रेबल विल डू, रेबल विल कीप क्वाइट. तो रेबल क्या करेगा, रेबल डज नॉट सी अ वर्ड, वो एक भी वर्ड नहीं करे कहेगा, मीन टू से दैट ही विल बी क्वाइट, जस्ट क्वाइट. रेबल क्या होगा, क्वाइट हो जाएगा, बिकॉज ही इज अ अपोजिट टू एवरी वन, वो सभी से अपोजिट चलता है. ओके. वैन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, वैन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, द रेबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस, देन रेबल क्या करेगा, क्रिएट करेगा डिस्टर्बेंस, ठीक है. जब कोई भी नहीं बोली के लेसन के ड्यूरिंग, अगर सभी चुप रहेंगे, फ्रेंड्स विल बी साइलेंट, देन रेबल विल बी क्रिएट अ नॉइस. तो रेबल क्या करेगा, नॉइस क्रिएट करेगा, डिस्टर्बेंस करेगा. वैन एवरीबडी वियर्स अ यूनिफॉर्म, वैन मोस्टली स्टूडेंट्स एंड एवरी वन विल वियर अ यूनिफॉर्म, देन रेबल विल नॉट वियर इट. ओके. द रेबल ड्रेस्ड इन फैंटास्टिक क्लॉथ, तो रेबल क्या है, दूसरी ड्रेस, नॉट अ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इज अ यूनिक कोड फॉर लाइक स्कूल्स एंड स्पेशल ड्रेस कोड होता है, यूनिफॉर्म हम उसे बोलते हैं, बट जो ड्रेस होती है, जो दूसरी ड्रेस हम फंक्शन में पहनते हैं या अपने फॉर्मल जो क्लॉथ होते हैं, ठीक है, तो रेबल जो क्या करता है, वो फैंटास्टिक क्लॉथ में दिखाई देता है, ठीक है, वियरिंग फैंटास्टिक क्लॉथ मीन्स पार्टी वियर. जब सभी ने यूनिफॉर्म पहनी है, तो रेबल क्या करेगा, फैंटास्टिक क्लॉथ पहनेगा. व्हेन एवरीबॉडी वियर्स फैंटास्टिक क्लॉथ, जब सभी फैंटास्टिक क्लॉथ पहनते हैं, मीन टू से दैट पार्टी वियर पहनते हैं, तो रेबल क्या करेगा, ड्रेस सोबरली, खुद को सोबरली ड्रेस पहनाएगा. सोबरली मीन्स बहुत ही सिंपल सी.
इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, अगर डॉग लवर्स की कंपनी, मीन टू से दैट द मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन लव लव टू हैव अ डॉग और लाइक अ पेट डॉग. जब कोई भी मतलब स्टूडेंट्स हैं या कोई भी पीपल हैं, वो क्या करते हैं, ज़्यादा डॉग पसंद करते हैं, डॉग लवर्स हैं, तो रेबल क्या किसके प्रति अपनी प्रेफरेंस दिखाएगा. प्रेफरेंस मीन्स महत्व देना, इम्पोर्टेंस देना. ठीक है, तो रेबल किसको इम्पोर्टेंस देगा, कैट्स को. ठीक है, मीन टू से दैट रेबल इज ऑलवेज अपोजिट टू द पीपल. ठीक है, तो रेबल एक्सप्रेस करेगा प्रेफरेंस, महत्व देगा कैट्स को कि मुझे कैट्स अच्छी लगती है, नो डॉग्स नहीं अच्छी लगती. इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, अगर फिर क्या होता है, अगर कैट लवर्स की कंपनी है, अगर पीपल है जो लाइक करते हैं कैट्स को, बट रेबल वहाँ पे क्या करेगा, रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स, तो वो डॉग्स के लिए वहाँ पे अच्छा बोलेगा, नहीं नहीं मुझे कैट्स अच्छी नहीं लगती, मुझे तो डॉग्स अच्छी लगती है. मीन टू से दैट रेबल इज द अपोजिट. रियली ये हमारी लाइफ में ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो हमेशा अपोजिट चलते हैं विदाउट एनी मीन. व्हेन एवरीबॉडी इज प्रेजिंग द सन, जब सभी क्या करते हैं, प्रेज करते हैं, प्रेज मीन टू से दैट प्रशंसा. ओके, जब प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं सन की, द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, तो जो रेबल है वो क्या क्या टिप्पणी करता है कि क्या जरूरत है, रेन की जरूरत है, बारिश की जरूरत है, सन की जरूरत नहीं है. व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीटिंग द रेन, जब सभी ग्रीटिंग करती हैं, रेन का अभिवादन करती हैं, ठीक है, तो रेबल क्या करता है, रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन, तो रिग्रेट, तो रेबल रिग्रेट करता है, रिग्रेट मतलब पछताता है किस चीज़ के लिए, सन के लिए, कि सन क्यों नहीं है. व्हेन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग, जब सभी के मीटिंग के लिए जाती हैं, द रेबल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक, तो रेबल क्या करता है, डू ऑलवेज अपोजिट, वो घर पे रहता है और क्या करता है, एक कोई भी बुक रीड करता रहता है. व्हेन एवरीबडी स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक, जब कोई भी क्या करता है, घर पे रहता है और बुक रीड करता है, तो रेबल ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, गोज टू मीटिंग, रेबल गोज टू मीटिंग, तो रेबल क्या करता है, मीटिंग के लिए जाता है. When everybody says yes please, जब सभी कहते हैं yes please, the rebel says no thank you. तो rebel क्या कहते हैं, no thank you, because opposite से rebel को करना है. When everybody says no thank you, जब सभी क्या करते हैं, no thank you बोलते हैं, तो rebel का मतलब क्या है, yes please बोलेगा, मतलब वो उनसे opposite चलेगा, चाहे उसमें सही है या गलत है, बट उसे क्या है, अपोजिट ही चलना है. रेबल ऐसे होते हैं, रेबल जो पर्सन्स होते हैं वो ऐसे होते हैं. इट्स वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास रेबल्स हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, हमारे कॉन्टैक्ट में भी होते हैं, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं कई बार. यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, पर आपको क्या है, आपको ये अच्छा नहीं लगेगा क्या करना, ऐसा व्यक्ति पाना, कि ऐसा व्यक्ति होना आपको अच्छा नहीं लगेगा. ओके थैंक्स, इट वाज अ पोएम, इट वाज क्वाइट गुड, थैंक्स.